हम लोग जब भी स्टेरिंग घुमाते हैं ना तो उड़ आ जाते हैं। देखिए हम कैसे घुमाते हैं, घुमा हुआ ही तो पहले से था। देखिए ऐसी सीधा होता है ना। अब यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए, नीचे माए करके। अब देखिए बिना एक्सीलेटर का गाड़ी चल रही है क्या? हम पकड़े हुए हैं आपका एक्सीलेटर, कुछ भी पकड़े हुए हैं। हमको स्पीड नहीं चलाना है, स्टेरिंग संभालना है और क्लच संभालना है, ठीक है? अब ऊपर कीजिए। अब यहाँ स्टेरिंग को दिखाइए। जब हम स्टेरिंग घुमाते हैं तो ऐसे ही से हो जाता है ना। तो हमको जब भी घुमाना है, अब यहाँ दो नंबर लगा रहे हैं हम। देखिए यहाँ दिखाइए, ये दो नंबर लगा है, क्लच दबाए, एक लेकर छोड़ दिए। अब देखिए क्लच ही छोड़ेंगे गाड़ी पड़ेगा। देखिए क्या झटका दे रहा है गाड़ी? नहीं ना। अब हमको लेफ्ट साइड इंडिकेटर देकर लेफ्ट घुमाना है, ठीक ना? तो लेफ्ट घुमाने का देखिएगा किस तरह हम घुमाते हैं स्टेरिंग, ठीक है? और उसी टाइप तरीका से आप लोग को भी घुमाना है, जो भी कस्टमर है मेरे उनको। देखिए यहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ हाथ पकड़े, हाथ तो ये फर्स्ट वाला वहीं पे है ना। अब वापस करना है, देखिए गोल घुमा रहे हैं एकदम, और वहीं पे ले जाकर सीधा कर लिए। क्या मेरा गाड़ी इधर उधर गया? रोड सामने नजर आ रहा है सीधा, देखिए तो रोड को, रोड की सीधा नजर आ रहा है। क्या हम इधर उधर कर किए ज्यादा किए? अब आप लोग तो हड़बड़ा जाते हैं कि स्टेरिंग क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी भी हम हड़बड़ाने के लिए नहीं कहते, आप देखिए लेफ्ट घुमाना है। ये हाथ को धीरे धीरे छोड़ दिए हम, यहाँ पकड़े हुए है ना। अब इसको यहाँ पकड़ लिए, फिर हमको वापस ले जाना कि वो इसी हाथ को छोड़ दिए, और वही हाथ आया ना वापस जो हाथ से घुमाए थे हम। क्या जी वही हाथ आया ना। फिर अब आपको बढ़ाना है तो हल्का हल्का इसे लेकर दबाएंगे तो कभी आपका ऐसे होता है पता ना, झटका देता है जी। तो झटका क्यों देता है? जब आप एक्सीलेटर दब छोड़ करते रहते हैं ना, इसके कारण होता है। अब देना है तो जितना एक पॉइंट देना है तो एक पॉइंट पे ले जाकर रोकेंगे। अब देखिए एक पॉइंट पे हम रोके हुए हैं तो गाड़ी स्पीड धरा हुआ है। कोई भी टर्निंग आता है वहाँ पे आप हॉर्न दीजिए, हॉर्न नहीं देते हैं इसके कारण और प्रॉब्लम हो जाता है। कोई आ जाता है तो देखिए दिए। अब देखिए तो यही हाथ घुमा रहा है ना लेफ्ट साइड से, वही हम इससे घुमा रहे हैं। अभी देखिए सीधा हो गया है ना। अब यहाँ पकड़ने के लिए पकड़ सकते हैं इसको, ऐसे पकड़ सकते हैं, पर जो है ओरिजिनल हाथ यही है। यहाँ पे हॉर्न है, ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे भी दबा सकते हैं, ठीक है? अब राइट घुमाना है हमको, राइट इंडिकेटर देकर इसको पकड़ेंगे, इसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ देखिए छोड़ दिए, अब कला दबा दिए यहाँ और घुमा रहे हैं, कला दबा दिए ना, कलच पकड़े हुए हैं। अब बढ़ाने के लिए कलच को धीरे धीरे छोड़ा जाएगा है। तो ये चीज आप लोग को समझना है, हमको थोड़ी समझना है, हम तो भाई सीखे हुए हैं, सीखना आपको है, मेरे को थोड़ी सीखना है कि नहीं? अब इंडिकेटर नीचे दे दिया, पूरा राइट अब गोल घुमाना है, ठीक है? देखिए हाथ को देखिए, यहाँ कोई गाड़ी आ गया, अब हमको घुमाना है। देखिए लगातार घुमाना, क्या हम इसको एक ही जगह से हटा दिए? अभी देखिए वापस कर रहे हैं, ये ना ज्यादा चला गया नहीं ज्यादा। अब यही तरीका से आप लोग को बार बार करना है, एक बार नहीं करना है। आपका जितना दूर जाते हैं उतना दूर में यही करना है। स्लो रहेगा तो ज्यादा घूमेगा, और स्पीड रहेगा तो कम घूमेगा। अगर ज्यादा घुमाते हैं स्पीड में तो आपका गाड़ी इन्हें उन्हें हो जाएगा। अब इसी में हम स्पीड चलाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा घूम गया, नीचे जाएंगे कि नहीं खेत जाएंगे। अब देखिए गियर चेंज किए, क्या मेरा गाड़ी झटका दिया? नहीं। थोड़ा सा भी नहीं दिया, नहीं दिया। अब यहाँ देखिए, अब एक्सीलेटर को दबाव बनाना है हमको। देखिए पता चला कि हम एक्सीलेटर दे रहे हैं, खाली स्पीड बढ़ रहा है आपका। अब हम वही छोड़ देंगे तो झटका देगा। देखिए क्या हम दूसरा हाथ लगाए हुए हैं? नहीं, ये पकड़े हुए हम नहीं ना, नहीं पकड़े। तो ये चीज आपको अब हमेशा सबको ये काम करना है। देखिए इतना थोड़ा थोड़ा में ना, जो थोड़ा थोड़ा में पूरा काम हो जाता है। ये हाथ का जरूरत नहीं है उतना, अच्छा। रिलैक्स होके रहता है ये हाथ, इसके लिए जितना भी सामान एसी के है ये है, सबके लिए ये वाला हाथ फ्री है। तो इसको पकड़ के रखिए, यहाँ हॉर्न में सब चीज है। अब हमको वहाँ से राइट घूमना है,
अपने घर की तरफ, ठीक ना, तो इंडिकेटर फिर देंगे और फिर वहाँ पर आप क्लच पकड़ेंगे, ठीक है, तो जैसा मौसम वैसा काम, हॉर्न देते हुए वहाँ एक नंबर लग गया, लग गया क्लच छोड़े, अब हल्का यहाँ एक लीटर दे के चलेंगे। देखिए तो हाथ हमारा मेरा देख रहे हैं किस तरह घुमा रहे हैं, अब आपको वापिस करना है, तो दोनों हाथे वैसे ही हुआ, ज्यादा हो गया नहीं, तो ये चीज आपका ये वीडियो आज डलेगा और हर एक कोई को ये वीडियो काम आने वाला है, क्या काम आएगा कि नहीं आएगा, बुलाएगा काम है ना, क्या हम गलत घुमाए हर एक जगह नहीं, तो ये चीज तरीका पढ़े सबको बताते हैं, पढ़े पढ़ समझता नहीं है, यहाँ तक कि वीडियो डाला हुआ है वो चीज का, आप लोग देखे नहीं, बताए नहीं आपको, इसको पकड़ के रखिए, छू कर रखिए, खाली पकड़ना नहीं है, छू कर रखना है, तो आप ऐसे पकड़ ले रहते हैं, पकड़ ले रहते हैं ना, पकड़ ले रहते हैं, चाहे भाग ना जाए, इसको छोड़ कर रखिए, देखिए यहाँ पर नीचे का गाड़ी, यहाँ एक्सीलेटर देकर चलना है, देखिए देखिए छूटा हुआ है, जा रहा है इधर, सिर्फ हल्का सा हिला देंगे तो सीधा हो गया, क्या फिर छोड़ देंगे, देखिए फिर जा रहा है उधर, देखे क्या हम ज्यादा घुमा रहे हैं, देखिए उंगली से घूम रहा है ना, देखिए हमको लेफ्ट घूमना है, इंडिकेटर ऊपर, ये यहाँ छूटा हुआ है, देखिए इसको पकड़े हुए नहीं है, देखिए क्या पकड़े हुए हैं हम नहीं, अब वही हाथ को ढीला करके वापस है ना, ये कोई दिक्कत है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ क्लच दबा के हम तीन नंबर लगाए, लग गया, फिर से धीरे धीरे क्लच छोड़े, अब स्पीड देखिए कितना में हम दिए हैं, गियर मात्र 15 पे, 15 पे है या 18-19 पे है, वही 15-18, हाँ क्लच दबाएंगे और धीरे धीरे ब्रेक लेंगे और एक साथ सब चीज करते हुए, ये तो पहले पहला दिन है तो ये चीज आप लोग से नहीं होगा ये चीज, पर हम तो नहीं सीखे हुए, तो हम तो कर लिए ना, है ना, अब यहाँ रोक दी, अरे न्यूट्रल, हैंड ब्रेक, गाड़ी ऑफ हो गया, एक नंबर लगाए और लास्ट में चाबी निकाल कर छोड़ दिए, है स्टीयरिंग इधर घुमाएंगे तो लॉक हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत है, तो ये चीज देख के समझिएगा ना, ये गड़बड़ होगा नहीं, गड़बड़ है ना, चलिए ठीक है, वीडियो बंद कर दीजिए।